जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी 36 फील्ड एम्यूनेशन रिपोर्ट यानी कि FAD ट्रेड्समैन मेट एंड अदर पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म 2021-2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या जानकारी आपको इस फॉर्म के अंदर भरनी है और आपको ये फॉर्म कैसे सेंड करना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों आपको फॉर्म डाउनलोड करने और भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। फिर आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। अब आपको दोस्तों यहां पर jobsgyan.in जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर रिसेंट पोस्ट के अंदर आर्मी 36 FAD रिक्रूटमेंट 2021 ये पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर भर्ती की संपूर्ण एलिजिबिलिटी जानकारी चेक कर सकते हैं और इस संबंध में मैंने कल वीडियो भी बनाई थी। अगर आप वीडियो के माध्यम से जानकारी लेना चाहते तो आप ये वीडियो वॉच करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप इसमें एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है ये आप जान लीजिए। आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लिक करना है और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के अपकमिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में, जो कि पूरी तरीके से फ्री है और डिफेंस कैटेगरी के लिए है। तो अगर आपकी डिफेंस कैटेगरी है या फिर आप डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ से आप प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपके कोर्सेज है वो है आपका CDS फर्स्ट 2022, जिसकी जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो 6 दिसंबर 2021 है, जहाँ पर आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ध्यान दीजिए कि ये आपका फ्री कोर्स है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ACE FCAT एक कोर्स फॉर FCAT फर्स्ट 2022, अगर आपने FCAT के लिए अप्लाई किया है या फिर आप करने वाले हो तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी स्टार्ट डेट 11 दिसंबर 2021 है। इसके अलावा SSB इंटरव्यू ए मास्टर कोर्स, इसका जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो आपका 12 दिसंबर 2021 है। साथ ही यहाँ पर आपको CAPF 2022 सोरिया कोर्स भी देखने को मिलेगा, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में दी गई है। अगर आप यहाँ पर पेड प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप न्यू 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपको जल्दी से जाना है और बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप को डाउनलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, कोई सवाल डाउट हो इस संबंध में तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का PDF मिल जाएगा। बाय चांस आप टेलीग्राम यूज नहीं करते और आप इंस्टाग्राम यूज करते तो आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। बेसिकली आपको फॉलो करना है और फॉलो करके मुझे एक मैसेज कर देना है कि सर हमें एप्लीकेशन फॉर्म 36 FAD का दे दीजिए। तो जैसे ही आपका मैसेज मिलेगा मैं आपको वहां पर PDF फाइल शेयर कर दूंगा। ये दो ऑप्शन है जिनके माध्यम से आप फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है इसका प्रोसेस आप लोग यहां पर देख लीजिए। तो फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप यहां से देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर। तो यहां पर नोटिस नंबर दोस्तों मैं आपको अभी शुरुआत में ही बता दूं कि इस भर्ती का जो अनाउंसमेंट है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में होने के बाद से ही आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अभी तक इसका अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर नहीं हुआ है, जैसे ही होगा वो तो आपको अपडेट किया जाएगा। बट अभी के लिए आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए और फॉर्म को भर करके रख लीजिए। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती का अनाउंसमेंट होगा आपको ये एक दो जानकारी फॉर्म के अंदर ऐड करनी है और फिर फॉर्म को भेज देना है। उसके पहले आप इसको भर करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर है अफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ही चिपकाना है। फिर दोस्तों पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपकी काफ़ी सारी पोस्ट निकाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद हैं। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। टू पॉइंट है आपका नेम, तो आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है। फादर नेम आपको आपके पिताजी का नाम लिखना है। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना होगा। रिलीजन यानी कि आपका धर्म कौन सा है, आपको यहाँ पर आपका रिलीजन लिख देना है। 6 पॉइंट आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, जैसे कि 02051997 कुछ इस प्रकार से आपको आपकी DOB लिख देनी है। फिर 7 पॉइंट आता है
एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने कितने दिन की होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी इस भर्ती का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर नहीं हुआ और अभी आपको ये मालूम नहीं चला कि आप कब से कब तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी आपको अभी खाली छोड़ देना है। जैसे ही आपको पता चले कि भर्ती का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर हो चुका है और आपको आपकी लास्ट डेट मिल चुकी है, तब आपको उस लास्ट डेट तक अपनी डीओबी को काउंट करके ईयर मंथ डेज यहां पर लिख देने हैं। 8 पॉइंट है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो यहां पर लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिए, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। नीचे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है यही एड्रेस यहां पर नीचे भी लिख दीजिए। 10 पॉइंट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर सीरियल नंबर के अंदर आपको एक लिखना है, क्वालिफिकेशन के अंदर 10th लिखना है। यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम देना है या कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने 10th की है। फिर यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 10th की है। कितनी परसेंटेज आपको आई थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको यहाँ पर CGPA लिख देनी है। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको डालना है। फिर अगर आपने 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12th लिख दीजिए और स्कूल की जगह स्कूल का नाम, बोर्ड की जगह बोर्ड का और यहाँ पर परसेंटेज। फिर आता है टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आपको नो एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख देना है। इसमें किसी भी पोस्ट पर कंपलसरी रूप में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। 12 पॉइंट ए है आपका कैटेगरी, कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसी कैटेगरी के सामने टिक लगा देना है। इसके बाद है बी, कोटा फॉर विच अप्लाइड, यानी कि जो आपकी ये स्पेशल कैटेगरी है PH, एक्स सर्विसमैन, अदर, अगर आपके इनमें से कोई कैटेगरी है तो उसके ऊपर राइट टिक लगाना है, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। फिर आता है 13 पॉइंट, इफ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन एज एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको देनी है, फ्रेशर हो तो ये खाली छोड़ दीजिए। 14 पॉइंट आता है आपका ये वाला, ये भी आपको खाली छोड़ना है क्योंकि PH कैटेगरी के लिए है। इसके बाद है वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम करते हो तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है। अगर यस लिखोगे तो आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, ऑफिस एड्रेस, पोस्ट और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो, साथ ही नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। बट ये है जो लोग ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनके लिए, फ्रेशर के लिए नहीं है। 15 पॉइंट, 16 पॉइंट है वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप किसी भी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड हो, अगर हाँ तो यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। अब आता है 17 पॉइंट, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यहां पर अटैच करने वाले हो, तो आप देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो यहां पर आप देख लीजिए। आपको बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप इस फॉर्म को SST OBC से भर रहे हैं, ये मेडिकल सर्टिफिकेट उनके लिए जो कि विकलांग कैटेगरी है, बाकी अगर आप फ्रेशर हो और विकलांग नहीं हो तो आपको इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहां पर अटैच करने हैं उनका नाम लिख देना है, जैसे कि ABC इस प्रकार से। इसके बाद है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन आपको नीचे आना है, यहां पर डेट डालनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, बट अभी इस डेट को मत डालिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि अभी फॉर्म स्टार्ट ऑफिशियली नहीं हुए हैं तो ये पहले आप भर करके रख लीजिए, डेट अभी खाली छोड़ दीजिए। पहले से आपको डाल देना है कहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, यहां पर सिग्नेचर कर देने हैं, इस जानकारी को आपको खाली छोड़ देना है। नीचे आना है पार्ट टू, अक्नोलेजमेंट कार्ड जो कि बेसिकली आपका एडमिट कार्ड रहेगा, यहां पर आपको नाम लिखना है, जो नाम आपने ऊपर भरा है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फादर नेम, कैटेगरी अप्लाइड फॉर, कौन सी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है वो, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर देना है, यहाँ पर आपको आपका फोटोग्राफ चिपकाना है और फिर यहाँ पर आपको ये खाली छोड़ देना है। तो ये आपका फॉर्म भरा जा चुका है, कैसे और कहाँ पर सेंड करना होगा तो उसकी जानकारी अभी आप समझ लीजिए, बट अभी आपको फॉर्म कहीं पर भी सेंड नहीं करना है। यहाँ पर आपको बोला है कि दी फोटोकॉपी यानी कि आपको इस फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज, लेटेस्ट फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड है वो भी यूज करने हैं, एक आपको जो फॉर्म के ऊपर लगाना है और एक आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड के ऊपर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो लिफाफा है वो आपको उसके ऊपर बेसिकली एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ये लिखना है कैपिटल वर्ड में और खाली जगह में उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, और इस पोस्ट को, इस फॉर्म को आप ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट यानी कि इनमें से जिस माध्यम से चाहे भेजना भेज सकते हो। बट अभी ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर आने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग डी पॉइंट के अंदर देखेंगे सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप अफिक्सिंग पोस्टल स्टाम्प रुपये 25, यानी कि आपको
एक अलग से सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी इस फॉर्म के साथ भेजना होगा जिसके ऊपर 25 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। किस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है, बेसिकली एड्रेस यही है जो एड्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हो, इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर इसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसको भर करके अच्छे से चेक करके रख लेना है। जैसे अनाउंसमेंट होगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यही था आपका प्रोसेस। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।